हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? वी आर फाइनली बैक विद द न्यू ब्लॉग। तो यार, आज मॉर्निंग जब मैं सुबह उठा तो लास्ट ब्लॉग के ऊपर किसी ने कमेंट किया हुआ था कि आप स्टैचू ऑफ लिबर्टी जगह ब्लॉग कर रहे हैं, तो दो दिन से वहीं पे जाने का प्रोग्राम कर रहे थे, फाइनली आज जा रहे हैं। बाकी वैसे भी यार, अगर आप न्यूयॉर्क आए हैं और स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखे हुए चले जाते हैं तो कुछ ऐसी ही फीलिंग आती हैं कि जैसे आपने न्यूयॉर्क देखा ही नहीं है। बाकी रेडी वगैरह हो गए हैं और मैं हमाद भाई का वेट कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे कॉल आती है तो गाड़ी में बैठते हैं और फिर वहीं पे मिलते हैं आपसे। तो यार, अभी अभी मुझे हमाद भाई की कॉल आई है कि रेडी हो गए हो तो गेट की तरफ आ जाओ। मैं कुछ खा पी रहा था, खा भी लिया, अब मिलते हैं गाड़ी में फिर आपसे। ड्राइव के बाद हम मैनहट्टन पहुंच गए हैं और ये सबसे बेस्ट एरिया है न्यूयॉर्क का। और अब हम जा रहे हैं फेरी की तरफ, फेरी में बैठेंगे और फिर पहले हमें एलिस आइलैंड जाना है और उसके बाद फिर स्टैचू ऑफ लिबर्टी जाएंगे। तो यार, टिकट वगैरह हमने चेक करवा ली है, वो हमाद भाई के पास मास्क नहीं था, वो मास्क लेने गए हैं और उसके बाद हम आगे जा रहे हैं फेरी की तरफ। बाकी वेदर अच्छा है लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत गर्मी है। बाकी फिर फेरी में मिलते हैं आपसे। तो यार, फेरी चल पड़ी है, आई होप मेरी आपको आवाज़ आ रही होगी। तो यार, फेरी जा रही है पहले एलिस आइलैंड और बाकी ये मैनहट्टन का व्यू चेक करें कितना मज़े का आ रहा है। और ये मैंने हटा है सारा। न्यूयॉर्क है वो लॉस एंजलिस और लॉस वेगस से भी ज़्यादा प्यारा है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी जहाँ पे हम आ रहे हैं। फाइनली स्टैचू ऑफ लिबर्टी आ गए, हम कुछ पिक्स वगैरह बना रहे थे और यहाँ पे स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, देख सकते हैं आप। अभी हम ऊपर जा रहे हैं तो वहाँ से व्यू अच्छा आएगा, तो ट्राई करते हैं वहाँ जाने। तो यार, सीन चेक करें कितना मज़े का है। ये सबसे जो बड़ी बिल्डिंग है, मैंने शायद आपको पहले भी बताया, ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है। तो बहुत प्यारा वेदर है। तो बाकी यार, अब आपका भाई स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ जा रहा है तो वहीं पे जाते हैं, यहाँ पे फ़ोटो बन रही है। आई एम सॉरी गाइस, तो इधर ही चलते हैं, हम आगे ही आ गए हैं, जरा वेट कर रहे हैं, चलते हैं फिर आगे। तो ये हमाद भाई जनाब पी रहे हैं ड्रिंकिंग। बाकी वेदर देखते हैं कितना मज़े का और ये वेव्स वगैरह। फाइनली स्टैचू ऑफ लिबर्टी के फ्रंट साइड पे हम आ गए हैं, तो हम पिक्स वगैरह ले रहे थे, बाकी आपको व्यू दिखाते हैं। ये रहा स्टैचू ऑफ लिबर्टी, और रिजल्ट ठीक आ रहा होगा। और ये व्यू है फ्रंट का सारा। तो यार, फाइनली हमने स्टैचू ऑफ लिबर्टी देख ली है और फोटो भी काफ़ी ज़्यादा बनाई है। अब यहाँ से मैं फेरी की तरफ ही जा रहा हूँ और वहाँ से हमने एलिस आइलैंड जाना है। बाकी यार, गर्मी बहुत ज़्यादा है, हालत ख़राब हो रही है गर्मी से, तो स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। बाकी चलते हैं फिर फेरी की तरफ, यहीं पे मिलते हैं। यार, वापस फेरी में जा रहे हैं तो यहाँ पे चेक करें, इन्होंने सेंट्स क्वाइंस फेंके हुए हैं साइड पर, पता नहीं क्यों। बाकी यार, चलते हैं, वहाँ मंदिर चली गई है सारी, मैं ही रह गया हूँ तकरीबन।
फाइनली हम एलिस आइलैंड आ गए हैं। ये सामने रहा एलिस आइलैंड। हम एलिस आइलैंड आ गए हैं, तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ये सबसे ओल्डेस्ट इमिग्रेशन ऑफिस था यूएसए का। तो पहले ज़माने में जब लोग यहाँ पर आते थे तो उनकी इमिग्रेशन यहीं पर होती थी, ठीक है। तो ये 1892 के अंदर बनाया गया था, उसके बाद आई थिंक 54 ईयर्स ये चला था, उसके बाद ये बंद हो गया था। तो ये आप देख सकते हैं, एलिस आइलैंड नेशनल म्यूज़ियम ऑफ इमिग्रेशन। तो ये एलिस आइलैंड है, ठीक है जी। इसकी इसी के सामने वो आपको शायद नज़र आ रहा है, बस स्टैचू ऑफ लिबर्टी है सामने। बाकी लोग आ जा रहे हैं, बाकी देखते हैं अंदर क्या सीन है। तो यार पहले वक्तों में लोग जब यूएसए आया करते थे तो यही पॉइंट है जहाँ पे उनकी इमिग्रेशन हुआ करती थी। ये सबसे पुराना इमिग्रेशन ऑफिस है, लेकिन अब ऐसा कोई सी नहीं यहाँ पर। अब ये जस्ट एज अ म्यूज़ियम के तौर पर है, तो लोग यहाँ पर आते हैं, देखते हैं, फोटोज़ वगैरह बनाते हैं और चले जाते हैं। और इसी के पास स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, मैंने आपको दिखाया भी है पहले। तो ये जो हमारा टूर था फेरी का, तो ये पहले लेके जाते हैं आपको स्टैचू ऑफ लिबर्टी और वापसी पर आपको यहाँ पर लेके आते हैं। तो वहाँ पर आपकी मर्ज़ी है कितनी देर स्टे करना है, हर आधे घंटे बाद फेरी जाती है। तो यहाँ से अब हमने वापस जाना है। तो बाकी देख लिया, ये बहुत अच्छे है, प्यारा है। बाकी फिर मिलते हैं। यहाँ पे ये संदूक वगैरह पड़े हुए हैं, तो पुराने हैं काफ़ी ज़्यादा। आई थिंक ये लोग यूज़ करते थे अपना ना सामान वगैरह इसी के अंदर डालने के लिए, एज अ बैगेज के तौर पर। वहाँ पे लिखा भी हुआ है द बैगेज रूम। अच्छा है यार। बाकी ये एग्जिट है, अब हम वापस जाने लगे हैं। फेरी की तरफ जाती हैं, देखती हैं अगर तो लगी हुई तो बैठते हैं, फिर वापस जाती है। फाइनली हमारी फेरी वापस पहुंच गई है। यार ये व्यू मज़े का है, ये कमाल का व्यू है। सारे पैसे इसी की है, बाकी चलते यार नीचे तो रश हो जाएगा। यहाँ पे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट पर आया है, यहाँ से खाना वगैरह लेना है और फिर यहीं से घर जाना है, भूख भी लगी हुई है। तो यार फाइनली मैं घर आ गया हूँ, ब्लॉग जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे हूँ। और बाकी यार नेक्स्ट जो मेरा प्लान है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और बीच। आप लोगों ने बताना है कि बीच पे नेक्स्ट ब्लॉग करना चाहिए या वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर। और आई होप कि आप लोगों ने ब्लॉग को बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया होगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी है लाइक और कमेंट करें, और ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें। तो अपना ख्याल रखिएगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।